कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से किए गए कार्यों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सराहना की जा रही है, लेकिन भाजपा द्वारा दिए गए बयानों को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा का नेतृत्व दोयम दर्जे के नेताओं के हाथ में है। भाजपा नेता खुद अब तक किसी संक्रमित इलाके में जाकर लोगों की कुशल क्षेम तक नहीं पूछ पाए, लेकिन बंद कमरों में बैठकर सरकार के कामकाज पर बयानबाजी की जा रही है, लेकिन जनता उनके काम को देख रही है। देश का प्रधानमंत्री तारीफ कर रहा है, मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन पूछता है इनको, ये एक्सपोज हो रहे हैं खुद। देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा है सार्वजनिक रूप से कि जो मैनेजमेंट आपने किया है उसको अन्य राज्यों को फॉलो करना चाहिए। यहाँ बीजेपी के छुटवैया नेता कुछ भी कहते रहे, ये एक्सपोज हो रहे हैं खुद। ये गंदी राजनीति की बू आ रही है, ये करेंगे अच्छा है, इनका खुद का चरित्र उजागर हो रहा है। ये तो घरों में घुसे हुए हैं, एक दिन किसी हॉटस्पॉट पर गया हो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष और जो बयान दे रहे हैं लंबे लंबे, मैंने उनको इन्वाइट किया था चलो रामगंज, गए नहीं, आओ अस्पताल के अंदर। ये बेचारे डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स नर्सिंग स्टाफ ये अपनी जान जोखिम में डाल के हॉटस्पॉट पे भी काम कर रहे हैं और बीजेपी बंद कमरों में बयान दे रही है, ये पब्लिक देख रही है सारी चीज, लोकतंत्र है ये। और ऐसे बयानबाजों को पब्लिक रेटिंग करना जानती है कि ये किस रूप में बयान कर रहे हैं।